हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो हमको पहले से मालूम था, हमने तो थंबनेल देख लिया था, हमको मालूम है डी ब्लॉक पढ़ने वाले, इसलिए तो आए हैं इस वीडियो पे। तो देखो, डी ब्लॉक तुम लोग देख चुके हो कि आज हम लोग यहाँ पे डी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं, और डी ब्लॉक आज हम लोग इतने मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं कि तुम इसको भूल नहीं सकते। आज मैं तुमको भूलने नहीं दूंगा, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे दिमाग में छपने वाला है। तो बच्चे रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए, एकदम रेडी हो जाओ, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, जो बच्चे इसको रिवाइज कर रहे हैं उसको 2 के स्पीड में देखो, जिसको जल्दी जल्दी पढ़ना है वो 2 के स्पीड में देखेंगे, और जो बच्चे धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, उन लोग 1 के स्पीड में देखें। आप लोगों को बिल्कुल मजा आने वाला है, आखिरी तक देखो, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। और मजा आए तो बिल्कुल लाइक करना इस वीडियो को, लाइक चाहिए मेरे को, ठीक है। तो सभी बच्चे, अगर मजा आता है तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते किसको है। तो देखो, जब कोई एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसके डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। बात समझ में आया सबको? आखिरी इलेक्ट्रॉन जब उसके डी ऑर्बिटल में आएगा तभी हम उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाए, अगर कोई पूछे डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, उसको कैसे लिखेंगे, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल ऑफ इट्स पेनल्टीमेट शेल, दैट इज n-1। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा n-1d शेल में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं थ्री डी सीरीज, तो थ्री डी सीरीज किसको बोलेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो वो सभी एलिमेंट जिसमें 4s पहले आएगा ये फिल होगा, उसके बाद 3D में फिल होगा, तो इनको हम क्या बोलेंगे, 3D सीरीज बोलेंगे। और यहां पे अगर तुम गौर करो तो यहां पे देखो, ये D जो है यहां पे, तुम गौर करो तो यहां पे जो D है वो n-1d पे है, 4 से कम हुआ ना, तो 4 इसका क्या हो गया, n की वैल्यू क्या है, 4, और 4 -1 करेंगे तो D होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3D सीरीज बोलेंगे। वैसे ही 4D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 4D सीरीज का मतलब होगा, 4D सीरीज का मतलब होगा यहां पे तुम्हारा s ऑर्बिटल पहले आएगा 5s और फिर आएगा 4D। इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो n-1d, तो ये n-1d का मतलब क्या हुआ कि पेनल्टीमेट सेल, मतलब जो आखिरी सेल है उससे एक सेल पहले तुम्हारा d ऑर्बिटल आएगा और उसमें तुम्हारा आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा। और इन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डी ब्लॉक के अंदर रखा जाता है, उनको डी ब्लॉक बोला जाता है। बात समझ में आ गया? तो अगला पॉइंट मैं ये लिख देता हूं कि फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12 आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स होंगे ना वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, और इनका एक प्यारा सा नाम भी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं बेटा? देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि उसके जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है ना तुम्हारे लिए, तो ये वाला हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा बोलते हो, लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक होगा और ये राइट हैंड साइड में क्या होगा, तुम्हारा पी ब्लॉक होगा। तो एस वाले जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और पी वाले क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं। तो यहां पे इनका जो ग्रेजुअल जो चेंज है उसको बताने वाले एलिमेंट्स कौन है, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट।
जो उनके बीच में लाई है, और वो बताते हैं कि किस तरीके से एक मेटल जो है वो अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को छोड़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशंस है कि हम हर किसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से नहीं होते, तो मैं उसके एलिमेंट के नाम पहले लिख देता हूं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो ट्रांजिशन नहीं कहलाएंगे, तो जैसे हमारे पास हो गया जिंक, जैसे कैडमियम, जैसे एचजी मर्करी, ये जो है ये सभी के सभी जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉट है, नॉट 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 ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉट क्यों? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होते हैं कंप्लीटली फिल्ड होता है। देखो, ट्रांजिशन होने के लिए ना एक कंडीशन होना अनिवार्य है, दैट इज कंपल्सरी। अगर मान के चलो किसी भी एलिमेंट को हम ट्रांजिशन बोल रहे हैं, दैट मींस उसका आइदर आयन, कोई भी एक आयन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग बात करें, या फिर उसका जो एटम है वो दोनों जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन नहीं कराएगा। बात समझ आ रहा है सबको? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम, तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये देखो आर्गन तक होता है, फिर उसके बाद आर्गन हमारा नॉर्मल गैस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये एटॉमिक नंबर 18 तक कवर कर लेता है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो 3d आता है, उसके बाद फिर आता है 4s, और 4s में दो इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं फिर बाद में d फिल होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि पहले s ऑर्बिटल फिल होगा फिर बाद में क्या होगा, d ऑर्बिटल फिल होगा। और यहां पे क्या हो गया, d में 1 आ गया। तो d में देखो यहां पे 1 आया, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड है। ये पार्शियली फिल्ड है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये देखो आर्गन तक, तो ये इनका कॉन्फिगरेशन आर्गन तक तो कॉमन ही होगा। उसके बाद अगर बात करें तो 3d आता है, फिर 4s आता है, तो 4s में 2 होते हैं और 3d में 10 हो गए। अब ये देखो 10 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ट्रांजिशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी डी क्या है, कंप्लीटेड है। दूसरी बात, अगर इसके आयन भी बनते हैं तो हमको मालूम है कि जिंक जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसके अलावा दूसरा स्टेट वो नहीं दिखाता। अगर मैं इसको बात करूं +2 स्टेट की बात करूं तो Zn+2 में भी देखो तुम लोग आर्गन हो गया, 3d 10, 4s के इलेक्ट्रॉन चले गए तो 0। तो ये +2 पहले s के इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकलते हैं फिर बाद में d के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, d के 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो क्या इसका d ऑर्बिटल खाली है? ये कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ये कभी भी ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं बन सकते। लेकिन जैसे कि कॉपर की मैं बात करूं तो कॉपर का 2 स्टेट होता है। फॉर कॉपर अगर मैं बात करूं तो कॉपर जो होता है +2 भी होता है, कॉपर +1 भी होता है। और कॉपर का जनरल अगर मैं बात करूं तो जनरल की बात करें तो देखो ये आर्गन तक तो ऐसे ही होता है, फिर 3d आता है, फिर 4s आता है। तो 4s में क्या होता है, ये 4s में 1 होता है, 3d में 10 होता है। तो इसके हिसाब से तो देखो ये क्या हो गया, ये कंप्लीटली फिल हो गया है ना। तो कंप्लीटली फिल होगा तो इसको तो हम ट्रांजिशन नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी इसको ट्रांजिशन के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर मैं इसके सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखूं, यानी कि ये सभी आयन को मैं अगर देखूं, तो इसके लिए हमारे पास बनता है Ar3d9 और यहाँ पे 4s 0 बनता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो Ar3d10 4s 0 बनता है। तो इन दोनों के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, ये कॉपर का हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके बेसिस पे ये कंप्लीटली फेल है। लेकिन इसमें भी देखो तो इसमें भी कंप्लीटली फिल है, लेकिन इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा भी है जिसमें कॉपर हमको दिखाई देता है, जिसमें हमको क्या दिखाई देता है, 3d जो है वो 9 के स्टेट में हमको दिखाई देता है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा
ट्रांजिशन एलिमेंट होगी, क्योंकि इसमें ये कंप्लीटली डी ऑर्बिटल फिल्ड नहीं है। कंप्लीटली फिल्ड होता तो ये ट्रांजिशन कभी नहीं बन सकता था। बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी फिल्ड नहीं होना चाहिए, डी फिल्ड नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो अगला हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो मैं 3D के लिए जो है तुम लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर पहले सिखाऊंगा, उसके बाद बाकी के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देखेंगे बस, और हम लोग उसके बाद आगे जो है जनरल ट्रेंड्स जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग 3D सीरीज जो है हमारा, उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूं 3D सीरीज के एलिमेंट को हमको कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे देखो मैं उसके लिए एक हमारे पास निमोनिक्स है, वैसे तुम लोगों के पास तो बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, लेकिन मेरे पास एक निमोनिक्स है, ये निमोनिक्स बहुत काम का है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम आएगा। ये तुम्हारा जो है इस तरीके से तुमको मास नंबर याद रखने के लिए भी यही निमोनिक्स तुमको काम आएगा। तो इस तरीके से तुम अगर चाहो तो निमोनिक्स याद कर सकते हो, अदरवाइज तुमको दूसरा तरीका मैं बता दूंगा जिससे तुम लोग क्या कर सकते हो, मास नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं उसको तुम कर सकते हो। तो पहले मैं ये निमोनिक्स बता देता हूँ, अगर तुमको बहुत अच्छा लगे पहली बार अगर तुमने देखा है तो निमोनिक्स तुम्हारे लिए बहुत ईजी होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे 21 से लेके मैंने यहाँ पे 30 तक के सभी एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया 3D सीरीज के। सबसे पहले कौन सा आता है, स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर वैनेडियम आता है। शक्तिवान, ये तीनों देखो इसमें दिख गया, शक्तिवान में तुम्हारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो 21, 22, 23 ये तीनों एलिमेंट हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे करे मना मतलब 24 और 25, करे मतलब क्रोमियम, मना मतलब मैग्नीज। तो ये इस तरीके से 24 और 25 दो एलिमेंट यहाँ पे आ गए। उसके बाद आगे बात करते हैं तो फेको, तो यहाँ पे देखो आयरन 26 फेको और नहीं, तो ये तीनों को मैंने एक साथ रखा है, फेको नहीं। उसके बाद फिर हमारे पास आखिरी है कप जोर से, तो देखो इसको सिंपल इंग्लिश बोलेंगे तो शक्तिवान करे मना, फेको नहीं कप जोर से। बचपन में तुम लोगों ने देखा होगा ना शक्तिवान, शक्तिमान तो देखा होगा, शक्तिमान क्या करता है, ठहरो ऐसा मत करो, ऐसे करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे सब बोला जाता था ना आखिरी में 2 मिनट में ऐसा कुछ दिया जाता। तो ऐसे ही समझ लो कि शक्तिवान बोल रहे हैं यहाँ पे, शक्तिवान करे मना, फेको नहीं कप जोर से, जोर से फेंकोगे तो टूट जाएगा कप, इसलिए मना किया जाए। तो फिर से वापस मेरे साथ रिपीट करो, शक्तिवान करे मना, फेको नहीं कप जोर से। अगला काम हमको क्या करना है मास नंबर के लिए, देखो यहाँ पहले एटॉमिक नंबर हो गया 21 से लेकर 30 तक, अब मास नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो है तुमको याद रखना है कि मास नंबर जो है 45 से लेकर 65 तक के बीच में, यानी कि 45 से लेकर 65 तक हमारा जो है मास नंबर 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है। मतलब यहां स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो मास नंबर होंगे 45 से लेकर 65 में होंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 20 का, मतलब कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखो 20 होता है ना, उसी के एटॉमिक नंबर जितना डिफरेंस तुमको यहां पे दिखाई देगा। दूसरा चीज क्या है कि मैंने देखो यहां पे कैसे अरेंज किया है, 1 2 3 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, इस तरीके से तुम लोग इसको सजा देना, 3 2 3 2 3 2 3 2, इस तरीके से हम लोग इसको जमा लेंगे, सजा लेंगे। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 45, इसका मास नंबर कितना हुआ स्कैंडियम का 45। अब यहाँ पे हमारे पास जिंक का कितना है 65, जिंक का कितना है 65, ये हमको याद कर लेना, 45 से लेके 65 इनके बीच का डिफरेंस 20, यानी कैल्शियम के एटॉमिक नंबर के जितना डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमको +3 ऐड करना है, कितना ऐड करना है +3, कितना +3। अब तुम लोग खुद सोचो 45 प्लस 3 कितना होगा 48, मतलब टाइटेनियम का कितना हो गया मास नंबर 48। उसके बाद फिर वहां से नीचे आएंगे तो +3 करेंगे तो कितना होगा 51, तो यहाँ पे वैनेडियम का मास नंबर हो गया 51। अब देखो यहां से जब हम दूसरे कॉलम में जंप करेंगे तो हमको क्या करना है +1 ऐड करना है, जो यहाँ पे आखिरी था 51 +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, तो क्रोमियम का मास नंबर कितना हो गया 52,
और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमको कितना ऐड करना होता है, प्लस थ्री। तो हर बार जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कितना ऐड करेंगे, प्लस थ्री। तो यहाँ पे बताओ मैंगनीज का कितना हुआ, 52 प्लस 3 55, तो इसका मास नंबर हो गया 55। अब यहां से जब हम यहां पे जंप करेंगे तो प्लस 1 करना पड़ेगा, तो 55 के बाद क्या आएगा, 56। फिर प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 59। फिर प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, 62। कितना होगा, 62। अब यहां से जब हम यहां पे जंप करेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 63। कितना हो जाएगा, 63। लेकिन बच्चों एक बात याद करके रख लेना, ये हमारे यहाँ पे जो है इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो मास नंबर है वही मास नंबर निकल का भी होता है। तो यहाँ पे 62 को मैं चेंज करके कितना लिख दूंगा, 59 लिख दूंगा। जो मास नंबर कोबाल्ट का है वही मास नंबर तुम्हारा निकल का भी होगा, थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस होता है बस, 59 दोनों का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एक समझ सकते हो कि ये एप्लीकेबल इसके लिए नहीं है, निकल के लिए तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये 59 होता है, कोबाल्ट के जितना ही निकल का मास नंबर होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मास नंबर को याद रखें। और अगर पसंद आया है तो लाइक बटन दबाई दो यार, ठीक है। और इसको बढ़िया से कमेंट भी करो, अगर तुमको पसंद आया तो कमेंट करो, और ऐसे झूठ के कमेंट करो यही बता। और सब्सक्राइब करो, झुक के ऐसे करके झुक के जो है सब्सक्राइब करो, ठीक। बेल आइकॉन को भी दबा लो। तो चलो अगर तुमको ये पसंद आए तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और इसको बेल आइकन को भी तुम लोग दबा लेना भाई, ताकि मेरा कोई वीडियो आए तुम लोग देख लो, ठीक है। चलो।